शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या खेलना है? स्लाइड्स खेलेंगे, है ना? हाँ। गाड़ी चाहिए? आओ आओ, गाड़ी चाहिए? लेकिन गाड़ी तो अंकल की है। चलो अंकल से मांगते हैं। दक्ष, चल बेटा, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, क्या हुआ मैडम जी? बच्चा ठीक तो है? हाँ, कौन से उठा के लेके जा रहा? पांडे, दक्ष बेटा ठीक हो तुम? हाँ ठीक हो ना? दक्ष, दक्ष बेटा दूध पियो। गुड बॉय। यस। और बस। रागिनी, तुम नहीं होती तो पता नहीं दक्ष का क्या होता। तुम्हारा एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? ऐसे चुकाएंगे एहसान? महारानी जी को फोन से फुर्सत मिले तो हमारे बाबू पे ध्यान देंगी ना? इनके सामने हमारे बाबू को कोई उठा के ले भी गया और ये इनको पता ही नहीं चला। लड़का बाजी करने से फुर्सत मिले तब ना। भाभी, कॉलेज का इम्पोर्टेंट फोन था, वरना हम नहीं उठाते सच्ची। और हमारे बाबू की जिंदगी वो जरूरी है कि कॉलेज जरूरी है? और ये देखो घर वाले, बेटी ने ये काम
किया है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब हमारा ही मुंह ताकेंगे। बबुआ को कुछ नहीं हुआ है। और देखो विदिशा, इस चैप्टर को यहीं क्लोज करो। नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। कुछ गलत बोले हैं क्या? अम्मा की दवाई देखो, बहन की पढ़ाई देखो, सब देखो और अंत में चुप रहो। देखिए, अब हमसे चुप नहीं रहा जाएगा। कमाने वाले इस घर में केवल आप हो और खर्चे हैं कि कमी नहीं होते। माँ, आरती, इनका बस चले ना तो पूरे गांव को ना घर में लेकर आ जाए। ले आओ ले आओ, अपने सारे रिश्तेदारों को, मामा को, चाचा को, चाची को, सबको लेकर आ जाओ और हमारे सिर के ऊपर बिठा दो। देखो मेरी बात सुनो, आरती पहले ही अपने ससुराल में बहुत झेल चुकी है, उसको हमारी जरूरत है, कहाँ जाएगी वो? अरे वो क्यों जाएगी, जाएंगे तो हम। अब इस घर में रहने लायक बच्चे ही कहाँ है, हम नहीं देख सकते अपने बच्चे को भूखा। विदिशा, विदिशा देखो, विदिशा देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई भूखा नहीं मरेगा। हम तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, पढ़ाई लिखाई, लालन पालन सबका, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अरे आपको क्यों कुछ नहीं दिखता, आपकी वो बहन ससुराल में अपनी पटरी जमा नहीं पाई तो यहाँ आगे हमरी खराब करने के लिए। अरे सब लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, खुद का बच्चा तो होता नहीं है, हमारे बच्चे का हक मारने आई है वो। क्या नहीं किया उस घर के लिए हमने, पर बदले में हमें क्या मिला? पति नहीं रहा तो घर से निकाल दिया हमको। क्या गलती थी हमारी, बस इतना ही दुखा था ना, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर को दिखा दो, तो चिल्लाने लगे हम पर, तो बोलते हैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, ससुराल वाले एक विधवा का खर्चा नहीं उठा सकते और मैके वाले बेटी का। अच्छा हुआ हमारा कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो हम उसको लेकर कहाँ भटकते रहते। बस बिटिया बस, शांत हो जाओ। हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं यहाँ पे कितने दिन रहती है वो, हम नहीं छोड़ेंगे उसे, बताते हैं उसे। Thank you.
दीदी खा लीजिए ना प्लीज, अब खाने से क्या दुश्मनी, प्लीज दीदी चलिए मेरे लिए खा लीजिए, प्लीज दीदी एक बाइट। राकेश एक, नाश्ता तैयार है, एक बाइट ले लो। दीदी ऐसे कब तक चलेगा, आप ऐसे मेरे लिए। वाह वृंदावन देगा अब बेसहारा विधवाओं को सहारा। वाह 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 क्या खबर आई है सुबह सुबह। अरे पढ़ो पढ़ो, देखो अब मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है आपको, अब आप यहाँ रहेंगी ना तो और दुखियारों के साथ ना अपना सुख दुख बांट पाएंगी। अब यहाँ कौन है जो आपके दुख दर्द को समझेगा। भाभी दीदी कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी हम सबके साथ, और हम हैं ना उनका दर्द समझने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए। विदिशा मैं कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। अफसोस अब वो तो आपके नसीब में है नहीं, वो क्या है ना सबको सब कुछ थोड़े ना मिलता है। भाभी आप अपनी औकात से ना कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तुम सिखाओगी हमें औकात, एक तो हमारे ही घर में यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, यह हमारा भी घर है। और तुम, तुम्हें अगर हमारी बातें ज्यादा चुभ रही हो ना तो घर से बाहर जाओ और चार पैसे कमा के लेकर आओ। सुबह से रोना धोना लगाया है, अरे पति ही मरा है ना, खुद तो जिंदा हो तुम। भाभी हो गया। एक मिनट। अरे गाली दे देती हम सुन लेते, पर देखो हमारा तो हाथ ही जला दिया। हो गया बस। अब आप एक बात बताइए, हम खाना कैसे बनाएंगे, और अपनी प्यारी भाभी के साथ ऐसा कोई करता है क्या। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पैसे की अक्कल नहीं है तुम्हारे अंदर, सिर्फ शरीर ही बड़ा हो रहा है, बुद्धि तो भ्रष्ट हो रही है तुम्हारी। अरे ऐसे गुस्सा किया जाता है। माँ आप वहां थी नहीं, विदिशा कितना अनाप शनाप बक रही थी, अगर आप वहां होती आप भी यही करती। जो भी हो इस तरीके से विदिशा का हाथ जलाकर तुमने ठीक नहीं किया रागिनी। और उस दिन जब भाभी ने हमें थप्पड़ मारा था तब तो आपने कुछ नहीं कहा उनसे। तरीके से बात करके तुम हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो रागिनी, हमारा तेवर बहुत बढ़ रहा है, आज ये हाल है तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा। अब एक ही रास्ता है, हम आप लोगों के लिए दूसरा मकान खोज देते हैं। हाँ दो मकान होने से खर्चा बढ़ेगा, घर में महाभारत तो नहीं होगा ना। इतनी छोटी सी बात पे कोई घर अलग होता है क्या बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम। माँ छोटी बातों को तो हम हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं, और ये हद से बाहर का है, इतना कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। रागिनी बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तलाश करो, और हो सकता है हमारा गुस्सा परिवार तोड़ने के नहीं बल्कि परिवार जोड़ने के काम आ जाए, वरना तुम्हारा ये गुस्सा ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी का श्राप बनकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। Thank you.
एक तरफ ये परिवार अपनों के झगड़ों की वजह से टूटने की कगार पर था, एक भाई ने अपनी माँ और सगी बहन को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था, दूसरी तरफ कोई और भी था जिसकी काली नजर इस परिवार को अपनी चपेट में लेने वाली थी। एक मासूम बच्चे को किडनैप करने के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? मोटी फिरौती की रकम, इस परिवार से कोई बदला या कोई बिजनेस की रंजिश? ये जुर्म की दुनिया की ऐसी चौंका देने वाली कहानी है जिसके बारे में जिसने भी सुना उसे विश्वास नहीं हो। आप कौन हो? मुझे घर जाना है, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे घर जाना है। देखो दीदी, आप बात करिए ना। विदिशा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा है, पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ भाभी, माफ कर दीजिए ना प्लीज। इस तरह से हमें घर से निकाल कर परिवार के दो टुकड़े मत कीजिए। पापा तो नहीं रहे, अब भैया भी नहीं होंगे तो हम लोगों का क्या होगा? एक बात बताओ, चिंता ज्यादा किस बात की है, परिवार के टुकड़े हो रहे हैं या घर से निकाला जा रहा है? वैसे हम कर भी क्या सकते हैं, अब वो उनकी मर्जी है। दक्ष, दक्ष, दक्ष। बेटा दक्ष तो स्कूल गया है, आज आप स्कूल नहीं गए? गया था स्कूल, आज जल्दी छुट्टी हो गई, खाना भी खा लिया, दक्ष अभी तक आया नहीं। अभी कुछ पता चला? नहीं आंटी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ रागिनी। दक्ष, दक्ष बेटा, हेलो, दक्ष गुप्ता नाम का एक लड़का आपके स्कूल में पढ़ता है, क्या अभी वो वहीं पे है? नहीं मैडम, सभी बच्चों को घर भेज दिया गया है, यहाँ कोई नहीं है। प्लीज आप एक बार जाके देखिए, हम दक्ष की मम्मा के बोल रहे हैं, वो अभी तक घर नहीं आया है, प्लीज। ठीक है मैडम, देखते हैं। दक्ष, दक्ष। बबुआ को लेने का ही नहीं गई थी स्कूल तुम? अरे बबुआ, हमें लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तुम ठीक बोल रही हो, हम पुलिस स्टेशन से होके आते हैं। भैया, दक्षा कुछ पता चला? क्या है? किडनैप। किडनैप? हमारा पापू कैसा होगा, कहाँ होगा? हम इन
बदमाशों से डरने वाला नहीं। हम पुलिस स्टेशन कॉल करेंगे। नहीं 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 भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी मत कीजिए। पता नहीं वो लोग कितने खतरनाक लोग होंगे, दग के साथ कुछ भी कर सकते हैं भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। रागिनी सही बोल रही है बेटा, मत जाओ पुलिस के पास। हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? हेलो पुलिस स्टेशन। मुझे मम्मी के पास जाना है। नहीं मुझे मम्मी के पास जाना है। नहीं मुझे मम्मी है। मम्मी सर कुछ पता चला था? अभी तक तो नहीं। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं। सर हमें शक है किसी पे। वो जो लड़का आपकी दुकान में काम करता है बंटी, सर पिछले ही महीने पैसों को लेकर इनकी बहस हुई थी। हाँ सर, हो सकता है। सर वो उसे पैसे की जरूरत थी, उधार मांग रहा था। लेकिन सर हम लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं सर, मना कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन आप लोग अलर्ट रहिएगा जी, और आगे जो भी पता चलता है बता दीजिएगा जी। किडनैपर कोई भी हो, रोती के लिए फोन करेगा, और जैसे ही वो फोन करेगा मुझसे ट्रेस कर लेंगे। घबराओ मत आप लोग, हम पूरी कोशिश करेंगे। नफरत किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। रागिनी अपनी भाभी से बदला लेने के लिए अपने ही भतीजे को किडनैप कर लेगी, जिससे वो इतना प्यार करती थी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इंसान एक गलती करता है और उसको छुपाने के लिए गलती पे गलती करता जाता है। शायद रागिनी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो कब एक आम लड़की से एक मुजरिम में तब्दील हो गई। नफरत की आग ने उसकी आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दिया कि उसे अपने भाई के भी आंसू दिखाई नहीं दिए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। पर क्या था रागिनी का प्लान? उसकी नफरत कब, कहां, कैसे खत्म होगी? क्या एक माँ बाप को उनका बेटा वापस मिल पाएगा? क्या रागिनी को अपनी गलती का एहसास होगा? आइए देखते हैं। दक्ष कहाँ है? पता नहीं किस बात की सजा हमारे बाबू को मिल रही है, हमने किसका बुरा किया है। हमारा दक्ष घर तो आ जाएगा ना? तुम चिंता मत करो, हमारा बाबू जल्दी हमारे पास होगा। दक्ष, हम पुलिस स्टेशन से आए। अब हमें दक्ष को घर वापस ले आना चाहिए। मामला भी करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। पुलिस हम पर कभी शक नहीं करेगी दीदी, बस एक दिन और फिर ले आएंगे उसे।
भाभी को थोड़ा और तड़पता हुआ तो देख लो पहले। ये ठीक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक दिन के लिए दक्ष को बाहर रखना, ताकि भाभी को सता सके, फिर उसे बचाकर घर वापस लाए, ताकि हमें उस घर से ना निकाले। तो क्या कर रही होगी? हमें सब कुछ याद है दीदी, लेकिन उस औरत ने हमें इतना रुलाया है ना, कि उसका 5% भी मजा चखा सकूं ना मैं उसे, I'll be very happy। सब कुछ अच्छा होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ट्रस्ट मी। पता तूने दक्ष को किडनैप क्यों किया था? पता साहब, मैं किसी को ले जाना नहीं बताएगा। तू बता साहब। नहीं बता साहब। नहीं बताएगा। देख जितनी जल्दी बताएगा ना उतनी कम मार खाएगा। रजनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रही हो? वो भैया दक्ष की बात याद आ रही थी ना, घबराहट सी हो रही थी, तो मैंने दीदी से कहा कि बाहर चलते हैं। ये क्या? वो भगवान के लिए प्रसाद है, अब दक्ष के लिए मैंने सोचा मंदिर में हलवा चढ़ा दे इसलिए। अच्छा ठीक है जा। हम कह रहे हैं ना एक दिन और, इसकी तबीयत खराब हो गई तो पुलिस को पता चल जाएगा। लेकर चलो भाई। पुलिस को पता कैसे चलेगा? हम हैं ना यहाँ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तुम अपनी जिद के चक्कर में बब्बू को किसी ने समझी। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वाह में, बच्चा है वो, किसी को बता दिया तो क्या होगा? अब हमें जेल जाना पड़ेगा। अब बस एक ही रास्ता है, मार देते हैं। पागल हो गई तू? तू अपने दक्ष को मारने की बात कर रही है? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? कुछ पता चला सर? पुलिस, 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 अब क्या होगा? सर कोई खबर मिली? हाँ, हमें एक लीड मिली, शायद बच्चा वहीं पर है। हम उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी वो जेल की सलाखों के पीछे काटे। दक्ष, घर में किसी को बोलोगे तो नहीं? नहीं बोलूंगा बुआ।
तक किसी को कुछ मत कहना, ओके? ये बुआ को माफ कर दे। इंस्पेक्टर साहब, भूले, आप लोग पुराने मंदिर के तालाब के पास आइए। बबुआ मिल गया, जल्दी आइए प्लीज। हाँ हम लोग तुरंत आ रहे हैं। विदिशा, माँ, रागिनी, आरती, बबुआ का पता चल गया। हाँ वो पुराने मंदिर वाले तालाब के पास है, चलिए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था दीदी, दक्ष ने हमको देख लिया, वो सबको बता देता तो हम जेल नहीं जाना चाहते थे। ठीक, अब हम सबको बताएंगे, तुम्हारी वजह से हमने अपने अपने दक्ष को खो दिया, तुमने दक्ष को मारा, ये बात हम सबको बता देंगे, सबको। दीदी रुकिए, दीदी, दीदी! बताओ सबको, तुमने मारा है, बताओ बताओ।
उसको, हम नहीं मारा है। इस औरत की वजह से, भाभी की वजह से हुआ ये सब। अरे नरक बना ये हमारी जिंदगी इस औरत ने, हमसे हमारे भाई को छीन लिया। इसलिए भाभी को सबक सिखाने के लिए आपने मारा दक्ष को। दक्ष को मार के तुम्हें क्या मिला रागिनी? भैया हम दक्ष को मारना नहीं चाहते थे, भैया हम दक्ष को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन दक्ष ने हमारा चेहरा देख लिया था तो हम डर गए थे भैया, हम डर गए थे, हमें लगा दक्ष सबको बता देगा, हम जेल नहीं जाना चाहते थे भैया, इसलिए हमने दक्ष को मार दिया। नजर आ रही है ना, किसने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस गलती के पीछे वजह क्या है? आप बताते हैं आपको, यारत ने हमारे भाई को हमसे अलग कर दिया, हमको सड़क पर लाने की कोशिश की, सामने सब कुछ देखा, किसी ने कुछ नहीं बोला, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। भाभी के अत्याचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, हम मानते हैं कि गलती थी हमारी। भैया हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे हाथों हमें पता नहीं चला। भैया सब बात इतनी बिगड़ गई, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, हमारे हाथों बात बिगड़ती चली गई और हमसे पाप हो गया। भैया चलो हमारे साथ ले चलो इसे। रागिनी को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई और आरती को हत्या में साथ देने के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। बड़ी बहन होने के नाते अगर आरती ने रागिनी को समय रहते रोक लिया होता या रागिनी की करतूत का खुलासा कर दिया होता तो एक परिवार टूटने से बच जाता, एक मासूम की जान ना जाती और रागिनी की जिंदगी बर्बाद ना होती। ज्यादातर युवा ऐसे ही नादानी में तैश में आकर अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों हमें जज्बातों के हाथ इतना कमजोर नहीं पड़ना चाहिए कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाए। इस सबक के साथ मैं गौतम रोडे आपसे विदा लेता हूं। जुर्म और जज्बात की अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सचेत रहें, सुरक्षित रहें।